जिन सांसदों ने बार बार पीएम मोदी के निर्देशों और चेतावनियों की अनदेखी की है उनके लिए 2019 का चुनाव साल खराब साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम तय करने की दिशा में काम शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने सांसदों की रिपोर्ट मंगा रहे हैं। माना जा रहा है कि सांसदों के कामकाज का आकलन करने के बाद ही उनको फिर टिकट देने का फैसला किया जाएगा। हले चरण के आकलन और सर्वेक्षण के आधार पर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और दूसरे चरण में कमजोर सांसदों वाले क्षेत्र से नए नाम मंगाए जाएंगे। खबरों के मुताबिक सांसदों के कामकाज और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ एजेंसियों की मदद ली गई है। सांसदों के कामकाज का आकलन करने के लिए 16 मानक तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों पर सांसदों के कामकाज को कसा जाएगा और फिर उनके बारे में रिपोर्ट बनेगी। अपने क्षेत्र में सांसदों की लोकप्रियता का भी आकलन किया जाएगा और लोकप्रियता के आधार पर ही टिकट तय होगा। संसद के अंदर और अपने चुनाव क्षेत्र दोनों जगह सांसदों के कामकाज का आकलन हो रहा है। संसद में किसी सांसद की मौजूदगी और उसके द्वारा पूछे गए सवालों का रिकॉर्ड भी मंगवाया गया है। यह भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए कार्यक्रमों में सांसदों की कितनी भागीदारी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।